मुल्क में दहशतगर्दों की फंडिंग केस में NIA ने बड़े पैमाने पर छापेमारी अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 14 अजला के 56 मुकामात पर NIA की टीम्स ने छापामारी की। NIA के मुताबिक इस सिलसिले में कुछ अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए हैं, जिनसे मुतालिका मुलजमीन की सरगर्मियों और उनकी भूमिका पर कई एक सवाल खड़े होते हैं। 19 जुलाई से संसद के सेशन का आगाज़ हुआ, जो मुसलसिल हंगामे और खलल से भरपूर रहा। चुनांचे अपोजिशन ने संसद में एग्रीकल्चर खवानीन पेगासस जासूसी मामले पर जांच करवाने के मुतालबा जारी रखा। इस दौरान मरकज़ ने कई अहम बिलों को पास करवाया। वहीं संसद में खलल डालने पर तृणमूल कांग्रेस के अराकीन को सस्पेंड किया गया। संसद के सेशन के आखिरी दिनों में मोदी हुकूमत कई अहम बिलों को पास करवाने की फिराक में है, जबकि OBC फेरिस्त की तैयारी से मुतालिक संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें रियासतों के इख्तियारात में तोसी हो सकती है। वाज़ेह रहे कि कैबिनेट पहले ही OBC बिल को मंजूरी दे दी थी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के सबब दरियाए गंगा और दरिया जमुना की सतह आप खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और जमुना के संगम वाक़ प्रयागराज में सैलाब जैसी सूरत हाल की कैफियत पाई जाती है, जिसके सबब नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। प्रोजेक्ट भारी मकदार में पानी के बहाव के पेश नज़र जायद पानी को छोड़ा जा रहा है। वजीर फाइनांस टी हरीश राव ने कहा कि BJP हुजूराबाद हल्के असम्बली में रियासती हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपोगंडों के जरिए इंतकाब जीतने की कोशिशों में मसरूफ है। BJP कायद ईटाला राजेंद्र हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम की मुखालफत पर BJP से सवाल किया। हरीश राव ने BJP को दलित एम्पावरमेंट स्कीम और कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम पर अपना स्टैंड वाज़े करने को कहा। डॉक्टर GVS राव ने ENT हॉस्पिटल के जेर एहतमाम COVID-19 की तीसरी लहर के जिमन में कोकटपल्ली पंजागुट्टा में मुनक्किदा शोर बेदारी वाकथन में हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर राउस ENT हॉस्पिटल के PHB तक रैली निकाली गई। इस दौरान उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अवाम को ताकीद की गई कि वो COVID-19 के महफूज रहने के लिए वैक्सीन का डोज लें, कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। शुरका ने राहगीरों गाड़ी रानों में मास्क व दीगर अशिया तकसीम की। अर्पण जनता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बहादुरपुरा डॉक्टर लईख अहमद के जेर एहतमाम और नजीब बिन मजीद की निगरानी में मुफ्त मेडिकल व आई कैम्प का बंदरगुड़ा रूबरू जामे मस्जिद कामाटीपुरा चंदाबीबी साहिबा इनकाद अमल में आया, जिसमें BP शुगर ब्लड ग्रुप आँखों की तशखीस के अलावा दीगर अमराज की तशखीस की गई और मुफ्त नुस्खा दिया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप से अतराफ व अकनाफ के कई मरीजों ने इस्तफादा किया। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर चौधरी, डॉक्टर लईख अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर ज़ुबैर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सिर्फ ख्वाबों से नहीं घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीस उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में, एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर, ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तियाब हैं। ज़की एंड एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।